हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार ब्रदर्स। तो आज जो है हम लोग इस ब्रेजा का MID जो है VXI में उसका सेटिंग्स वगैरह बताने वाले। तो बेसिकली इसमें जो है पुराना वाला जो ब्रेजा ZXI था और ZXI प्लस में जो MID वगैरह आता था वही MID इसमें भी मिलता है। MID किसको बोलते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्पीडोमीटर और RPM मीटर के बीच में जो आता है उसको MID वगैरह MID बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप बीच में ये देख सकते हैं इसको MID बोलते हैं। तो इसमें बहुत छोटा दिया है, टॉप मॉडल में भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो आपको ZXI प्लस जो पुराने ब्रेजा में आता था 2020 वाले में उस जैसा ही सेम दिया है। तो जैसे ही हम लोग इसे चालू करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इसमें सब मिलता है। जैसे यहाँ पास टाइम वगैरह दिखता है, तो टाइम को कैसे सेट करना है, तो जो दोनों आपको ये दिख रहा है नॉब जो है दोनों को आपको एक साथ ऐसे प्रेस करना है। तो देख सकते हैं 10 पर आ गए, तो उसको जो आपको अगर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आप जो इसको ऐसे घुमाएंगे तो देख सकते हैं 11, 12, 13 एनालॉग घुमाएंगे तो होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी जैसे 10 हो रहा है तो यहाँ पास मैं फ़ोन में भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पास देख सकते हैं 10:24 हो रहा है और वहाँ पास 10:23 दिखा रहा है। तो आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको जो एक बार ऐसे दबाएंगे, इस वाले नॉब को एक बार सिर्फ प्रेस करेंगे तो आपका इसमें आ जाएगा, तो मिनट्स में आ जाएगा। तो फिर इसको एनालॉग ऐसे घुमाएंगे तो 24 हो गया, 25 ऐसे, फिर एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो आप जो देख सकते हैं जो भी सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे करेंगे तो आपका जो टाइम वाला सेटिंग जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस नॉब को एक बार देख लेते हैं फीचर, यहाँ पास आपको पता चलेगा। यहाँ पास जो है तो इसको ऐसे दबाएंगे तो हम माइलेज दिखाएगा जो एवरेज आपको दे रहा है, रेंज दिखाएगा कितना किलोमीटर चलेगा तेल में, जो जितना पेट्रोल है गाड़ी में उस हिसाब से, और ये जो है इंस्टेंट फ्यूल जो होता है वो दिखाएगा। और इस तरफ के नॉब का जो यूज़ होता है इसको अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पास टोटल जो मीटर किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी वो दिखाएगा आपको, और यहाँ पास आपको दिखाएगा ट्रिप ए, कितना ट्रिप ए में आप किलोमीटर चलाएं और ट्रिप बी में आप कितना किलोमीटर चलाएं, बाकी ये टोटल आपको दिखाता है। तो अब जो है मैं इसको ऐसे यहाँ से ऐसे बंद करता हूँ। तो अब जो है यहाँ पास देखिएगा, अब मेन काम जो है अंदर इसके जो अंदर फीचर्स वगैरह मिलते हैं उसके बारे में। तो इस नॉब को जो है मैं थोड़ा देर तक प्रेस करूँगा, कभी भी क्या बोलते हैं जैसे ये एवरेज वाला है या फिर इसमें, रेंज को तो छोड़ दीजिए, एवरेज वाले में कभी भी आप जो इसको देर तक प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा पूरा एवरेज। प्रेस कर सकते जब आपको तुरंत एवरेज निकालना है या ट्रिप वगैरह मार रहे हैं तो आप एवरेज निकालने के लिए इसको प्रेस कर सकते। तो जैसे कि इसको अगर मैं देर तक प्रेस करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं करूँगा नहीं। और बाकी इसमें आप कर सकते हैं सेटिंग वगैरह जाने के लिए। तो इसको देर तक ऐसे प्रेस करेंगे राइट वाले नॉब को तो देख सकते हैं क्लॉक आ गया। तो क्लॉक में क्या होता है, आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 12H दिख रहा है, मतलब 12 आ रहा है, और 24H मतलब 24 आ रहा है। तो आप किस में सेट करना चाहते हैं आप उसमें सेट कर लीजिए, मैं 12R में रखूंगा तो इसको मैं बैक कर देता हूँ, 12R में अभी डिफॉल्ट है। जैसे कि इसको ऐसे प्रेस करेंगे नॉब को तो फिर अंदर चल जाएंगे आप, और फिर इसको राइट अगर घुमाएंगे तो ऐसे आगे जा सकते हैं और पीछे घुमाएंगे तो पीछे जा सकते हैं। तो 12R में आप ही सेट कर सकते हैं क्लॉक जो है ये वाले क्लॉक को, और 24R करेंगे तो 24R में सेट हो जाएगा। और ये फिर यहाँ से ऐसे राइट नॉब घुमाएंगे तो फिर बैक जा सकते हैं। फिर बैक गए तो क्लॉक में ज़्यादा कुछ फीचर्स वगैरह नहीं है, बाकी आप क्लॉक यहाँ से सेट कर सकते जो मैंने आपको बताया, बाकी वो सब सेट कर सकते 24 और 12R वाला। फिर इसको एक बार ऐसे प्रेस करेंगे तो एक सेकेंड इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। फिर आपको राइट नॉब घुमाएंगे तो राइट नॉब घुमाने के बाद आपको डोर का ऑप्शन आएगा, जैसे कि ये डोर है तो डोर में ऐसे क्लिक करते हैं, जैसे कि ये D1 देख सकते हैं। मारुति जो है अपना बहुत कोड वर्ड चलाता है, तो अभी कोड वर्ड से हम लोग बाहर आने के लिए आपको बता रहे सेटिंग वगैरह। तो D1 में आप क्लिक करेंगे तो ये SL1 आता है, तो SL1 को अगर आप क्लिक करते हैं ऐसे करके यहाँ पर नॉब को प्रेस करेंगे तो सक्सेस आ जाएगा। सक्सेस आया तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे कि ये मैं गाड़ी का जो चाबी वगैरह ये निकाल लिया हूँ, अब देखिए मैं एक बार इसको लॉक करूँगा तो चारों डोर लॉक हो गए, ठीक है। और अब एक बार मैं अनलॉक करूँगा, ठीक है, चारों डोर अनलॉक हो गए, देख सकते हैं आप चारों डोर अनलॉक हो गए। लेकिन वही अब जो है मैं इसको जो है SL2 पे करता हूँ, तो SL2 पे क्या होगा आप देखिएगा। अब जैसे SL2 है इसको मैं क्लिक किया, सक्सेस हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने चाबी को निकाल लिया है, ठीक है, अब चाबी को निकाल लिया, अब मैं इसको गाड़ी को जो एक बार लॉक करता हूँ, पूरा लॉक हो गया। लेकिन एक बार मैं अनलॉक करूंगा मैं तो देखिए सिर्फ ड्राइवर साइड अनलॉक होगा, उधर पैसेंजर साइड और पीछे और बूट वगैरह अनलॉक नहीं होगा। अब एक और बार अनलॉक करता हूँ तो देखिएगा पैसेंजर साइड और मतलब चारों डोर वापस से खुल जाएंगे। तो SL1 और SL2 में ये होता है। अब D2 देख लेते हैं, D2 में क्या होता है, इसमें D1, D2, D3 और D4 नहीं आता, डायरेक्ट D5 आता है। अब जैसे कि ये D2 है तो D2 में क्या होता है, जैसे कि SL1 है तो D2 में क्या करेंगे, जैसे SL1 है ना तो अगर कभी भी आप गाड़ी को चलाएंगे जैसे 20 की स्पीड में, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार D2 में SL1 में हम लोग स्पीड कर मतलब वो सेट कर दिए। अब इसको मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लियो, अब जो है मैं इसको 20 पर लेके जाऊँगा तो गाड़ी जो है जैसे 20 पर जाने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली चारों डोर जो है लॉक हो जाते हैं, तो इसमें डोर लॉक नहीं होगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकेंड,
तो ये देखिए, जैसे मैं 20 तक लेके गया हूँ गाड़ी को, तो डोर्स वगैरह जो है कोई भी मतलब लॉक नहीं हुए। और अभी मैं इसको यही सेटिंग चेंज करता हूँ, तो आप देखिएगा इसमें जो है आपका वो हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ G2 में, SL2 अगर करते हैं हम लोग, तो SL2 को अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब सक्सेस हो गया। अब देखिए मैं इसको 20 के स्पीड में चलाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर खाली रोड है, तो मैं चला रहा हूँ, देख सकते हैं आवाज आपने सुना होगा, मेरा डोर्स वगैरह भी जो है वो लॉक हो गए। तो D2 में SL1 और SL2 का यही फीचर होता है कि आप जो डोर वगैरह, जैसे गाड़ी 20 की स्पीड पे जाता है तो आपका गाड़ी लॉक कैसे होगा और लॉक नहीं होगा, तो SL1 और SL2 का यही फीचर होता है। बाकी अभी हम लोग D3 देख लेते हैं, D3 में क्या होता है। तो ये जो D3 होता है ये क्या होता है, SL1 में भी मैंने क्लिक किया, तो D3 SL1 में आप जैसे इसको ऐसे प्रेस करेंगे, सक्सेस हो गया। तो अब क्या रहेगा, जैसे कि मैं चाबी को पूरा निकालूंगा यहाँ से, अब जैसे कि गाड़ी मैंने बंद किया, कहीं भी किया मैं गाड़ी को, जैसे चाबी निकालूंगा तो देखिएगा डोर जो है अनलॉक नहीं होंगे, देख सकते हैं कोई भी डोर जो है अनलॉक नहीं हुआ है, सब लॉक है। अब वही मैं फिर से चाबी लगाता हूँ, इसको चालू करता हूँ और D3 SL2 को फिर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे कि SL2 है, मैं SL2 में इसको क्लिक करता हूँ, सक्सेस हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा जैसे ही मैं इस गाड़ी को ऐसे बंद किया, ठीक है, और अब चाबी निकालूंगा, वैसे ही चारों डोर जो है अनलॉक हो जाएंगे, देख सकते हैं चारों डोर अनलॉक हो गए जैसे मैंने चाबी निकाला, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है D3 का फंक्शन। और D5 का देख लेते हैं आप, अब जैसे कि D5 देख सकते हैं, तो D5 पहुँच गए हम लोग। तो D5 में अब इसको ऐसे मैं क्लिक करता हूँ, SL1 में क्या होगा कि आप जिसको इसको क्लिक कर देंगे, जिसे मैंने सक्सेस कर दिया इसको। अब जो है मैं गाड़ी का चाबी निकाल दिया हूँ, और जैसे ही आप गाड़ी से बाहर वगैरह जाएंगे जब भी, तो जैसे इसको लॉक करते हैं, मान लीजिए अभी देखिए मैं लॉक करूँगा तो बीप आ रहा है, अनलॉक करूँगा तो बीप आ रहा है। और वैसे ही जैसे कि मैंने SL2 कर दिया D5 में, अब जो है मैं जैसे कि D5 है उसमें मैंने SL2 कर दिया, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, प्रेस करता हूँ, सक्सेस हो गया। अब जो है मैं इसका चाबी निकालता हूँ और मैं बाहर गया मान लीजिए, ठीक है, और अब मैं इसको लॉक करता हूँ, तो देखिए आपको अंदर सुनाई देगा कि गाड़ी लॉक हो गई, इसके इसके वजह से सुनाई देगा आपको, लेकिन गाड़ी का बीप नहीं आएगा। जैसे मैंने अनलॉक किया, बीप वगैरह कुछ भी नहीं आएगा आपको, सिर्फ गाड़ी लॉक और अनलॉक होगा। तो ये आप चाहते हैं कभी भी, जैसे कई बार आपको मन करता है कि भाई बीप वगैरह नहीं चाहिए, तो आप इसको ऐसे सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं, बीप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है कभी कभी तो। और ऐसे बीप वगैरह भी सही लगता है, पता चलता है कि गाड़ी लॉक है या अनलॉक है, पता चलता है दूर से। अब डोर में जो है आपका, जैसे मैंने आपको सब बता दिया, D2 D5 D5 तक ही आता है और कुछ नहीं रहता इसमें, D4 नहीं आता इसमें, और डोर हो गया। अब यहाँ पास लाइट की बात करते हैं, तो लाइट में अगर क्लिक करेंगे तो ये L2 आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, और L2 को क्लिक करेंगे SL1 है, SL1 को अभी मैं क्लिक करता हूँ, सक्सेस हो गया। अब देखिए जैसे कि मैंने ये इंडिकेटर जो है, मैं इंडिकेटर को जैसे लेन चेंज करते हैं हाईवे वगैरह में, या कभी भी लेन चेंज करते हैं, तो उसमें ऐसे एक बार सिर्फ हल्का सा प्रेस करते हैं, देखिए 3 बार जलेगा ये, ठीक है। और वही जगह पर मैं इसका L2 में SL2 कर देता हूँ, अभी देखिए सक्सेस हो गया, प्रेस किया मैंने, और जैसे ही मैं इंडिकेटर को एक बार सिर्फ ऐसे करूँगा, सिर्फ एक बार इंडिकेटर जलेगा लेन चेंज में। तो आप, मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको जो है SL1 में ही हमेशा रखें, SL2 में बिल्कुल ना रखें। लेन चेंज करने में जैसे इसको ऐसे करेंगे 3 बार करते तो पीछे वाले को पता चलता है, तो ये ज़्यादा आसानी रहता है। लाइट में और कुछ नहीं रहता, बैक जाते हैं। सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो आप जो सिक्योरिटी में आ गए, सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी में क्लिक करते तो इसमें S2 S3 और S4 रहता है। तो पहले S2 की बात कर लेते हैं, तो S2 में क्या होता है, जैसे कि SL1 है, तो जैसे कि आप कोई भी सेटिंग वगैरह अगर आप छेड़ना नहीं चाहते, जैसे कि अगर वापस जो जो सिक्योरिटी का सिस्टम होता है अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो SL1 आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर SL2 आप प्रेस करेंगे तो वो सेटिंग जो है वापस आ जाएगा, जो आपका सेटिंग सिक्योरिटी का, ठीक है। और यहाँ से बैक चल जाते हैं। फिर S3 जो होता है, इसमें आप अगर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं जो रेंज है वो 00 है अभी, L 00 1 2 3 4, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको। इसका मैक्स जो है वो 15 है पूरा, ये देखिए 15 है मैक्स, 15 से ऊपर नहीं जाता बैक हो जाता है। फिर जैसे 15 पर कर दिया अब मैं, तो अब जैसे मैंने उसको सेट कर दिया, तो अब मैं गाड़ी को ऐसे बंद करता हूँ, बाहर चलते हैं गाड़ी से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वर्क करता है। तो अब जैसे गाड़ी जो है ये लॉक है, ठीक है, मैंने इसको लॉक कर दिया, तो बीप का साउंड नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वो सेटिंग किया था। तो अब जो है जैसे कोई भी गाड़ी का अगर आपको अनलॉक करने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे मैंने इस गाड़ी को अनलॉक किया, अब मैं इसको खोलता हूँ, तो देखिए अंदर जो है वो आवाज़ आ रहा है, वो आवाज़ आएगा। और जैसे मैंने इसको बंद किया,
देख सकते हैं इस टाइप का आवाज आएगा और फिर मैं इसको लॉक करूंगा। ये देखिए अनलॉक का दबाया तो आप समझ सकते हैं कि अनलॉक दबाने से कितने 3 बार बीप कर रहा है, 4 बार जो है, तो आप समझ जाएंगे कि गाड़ी को किसी ने छेड़ा है। अंदर चले तो अंदर में दिखाता हूँ क्या क्या करेगा। तो अंदर जो मैंने सुनाया था वही आवाज करेगा, तो उससे पता चलता है कि क्या बोलते हैं किसी ने आपकी गाड़ी को छेड़ा है। और फिर से आगे चलते हैं हम लोग, उसके आगे जो फीचर मिलता है देख सकते हैं, यहाँ पास ब्लिंक कर रहा है तो आपको पता चल रहा है पहले जो यहाँ पास आता था इसके ऊपर अब नहीं आता, तो यहाँ पास पता चल रहा है कि किसी ने आपकी गाड़ी को छेड़ा हुआ है, तो पता चल जाएगा। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वो जो ब्लिंक कर रहा है। अब इसको जो है सिक्योरिटी में जाते हैं हम लोग। सिक्योरिटी में जाने के बाद S3 में जो थे आप लोग समझ सकते हैं कि S3 में जो हम लोग किए थे वो, और अब जो है S4 में हम लोग करेंगे। तो S3 हो गया, S4 पक्का ना। अब S4 जो है इसमें क्या करना है, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो अब इसको हम लोग इसको ऐसे पूरा 15 मैक्स है तो 15 तक एक बार कर देते, तो आप साउंड भी सुन सकते हैं कितना तेज हो जाता है, मतलब साउंड सेट करने के लिए आप कितना साउंड तेज करना चाहते हैं। अब इसको हम लोग सक्सेस कर दी। S4 जो होता है वो क्या होता है, जैसे कभी बम वगैरह फूटते दिवाली टाइम में या फिर गाड़ी को टच करते या कुछ भी होता है तो आप बीप वगैरह सुनते हैं कि बहुत बीप आता है गाड़ी से, तो वो होता है उसका सेट वगैरह आप कर सकते हैं। लो रखना चाहते थे हम, लो रहेगा 15 पर करेंगे तो एकदम मैक्स हो जाएगा, मतलब साउंड का रहता है वो। तो सिक्योरिटी में बस इतना ही फीचर था। अब इससे हम लोग जो है बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद फिर अब यहाँ AC आता है। नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल स्पीड से आपकी गाड़ी को कैबिन को जो है पूरा ठंडा कर देगा और माइलेज भी अच्छा निकाल देता है। इको में क्या होता है कि ये क्या सबसे ज़्यादा काम कब आता है, ठंडी के समय में आता है। आप जो है इको में करके छोड़ दीजिए, माइलेज आपका बेस्ट निकाल के देगा और आपका जो कैबिन है उसको भी अच्छा ठंडा कर देगा और माइलेज बेस्ट निकाल के देगा इको में। और कम्फर्ट में जो होता है वो आपका माइलेज कम कर देगा लेकिन AC इतना तगड़ा दे देगा एकदम। बहुत गर्मी होता है ना, जैसे कि बहुत जगह में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो उस जगह में आप देखेंगे तो उस जगह में आपको जो है ज़्यादा माइलेज नहीं चाहिए, तो आप मतलब गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो ठंडा करने के लिए आप कंफर्ट डाल सकते हैं और माइलेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये होता है AC का सेटिंग, और उसमें भी आपको एक दो का ही कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब AC से हो गया, और बाकी ये एंकर आता था। एंकर भाई हम लोगों को भी नहीं पता है, अगर आपको किसी को पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम लोग शॉर्ट्स बना देंगे ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। एंकर हम लोगों को नहीं पता है, तो और बाकी डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट में अगर क्लिक करते हैं बाकी ये देखते हैं ऑन है और ये बैक है। तो ऑन करेंगे तो जो भी आपका सिस्टम आपको जैसे गाड़ी मिला था जो जो फीचर्स गाड़ी में मतलब पहले से डिफ़ॉल्ट थे, मतलब क्या अनलॉक करने से क्या होगा, ये सब नेविगेशन वगैरह जो भी इसमें से हमने छेड़ा है वो सब वापस से आपका जो डिफ़ॉल्ट में था, जो भी सायरन वगैरह जो भी था, जो जो हम लोग अभी छेड़े हैं या फिर कोई भी अगर छेड़ा होगा तो डिफ़ॉल्ट में आप ऑन करेंगे तो आपका वापस से डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जैसा पहले था गाड़ी वैसा ही आपको मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।